रोहतास जिले के नौका थाना क्षेत्र के सुआरा रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि संझौली प्रखंड के समाहुता गांव निवासी दरोगा शर्मा का पुत्र राहुल कुमार शनिवार की सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकला था। इसी क्रम में वह मुख्य आरा चाशाराम रेलखंड के सुआरा रेलवे क्रॉसिंग पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया, जहां उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। दूसरी तरफ इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नौका थानाध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच शव को कब्जे में लेते पोस्टमार्टम के लिए जिला सदर अस्पताल शाशाराम भेज दिया। ये मेरा भाई है। आपले बड़े हैं तो छोटे हैं? सबसे छोटा भाई है। आप लोग कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। आप सबसे? सबसे बड़े हैं। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। कितने बजे इनका मैंने रेलवे में कट के मृत्यु हुआ? 11 बजे मैंने एक कैसे इनका मौत हुआ है? ट्रेन से कटने के बाद मौत हो गया। ये कहाँ जा रहे थे? जा नहीं रहे थे, टहलने के लिए उधर जाते थे, उधर दुकान है, टहलने के लिए उधर जाता था, बस उसी में घटना हुआ है। तो मैंने घर ले कितने बजे सुबह निकले थे? घर से 8-9 बजे निकलता है। कहाँ के लिए निकले थे? वो संडास के लिए। उसी क्रम में रेलवे स्टेशन पहुँच गए? हाँ, रेलवे स्टेशन पार कर। R9 भारत के लिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट रोहतास से। परियारी मुखिया के घर पर NIA की टीम ने की छापेमारी। NIA की टीम ने करीब 5 घंटे तक छापेमारी की। मुखिया पति आनंदी पासवान पूर्व नक्सली कमांडर। NIA की टीम के द्वारा लगातार बिहार के अलग अलग जगह पर छापेमारी कर आतंकियों एवं उग्रवादियों को मददगारों को दबोचा रहा जा रहा है। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड अंतर्गत निरखपुर गाँव में परियारी पंचायत के मुखिया हेमंती देवी के घर शनिवार को NIA की टीम द्वारा करीब 5 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक छापेमारी की गई। जानवे करते हुए 2-3 बार हमारे ऊपर हमला हुआ है। स्तर से सैलरी पर महीना पर एक गार्ड अपना हम पर्सनल अपना रखे हुए फिलहाल उन्हीं को लेकर के गए हैं। लोग क्या कुछ बताएं कि इस चीज के लिए छापेमारी की गई है? नहीं, ये तो हमें नहीं बताएगा, उतना कोई खास अथी नहीं। लोग पूरा अपना चेकअप पूरे मकान उकान घर उर के पूरे जानते भरे पूरा लोग सब चेकअप किए, सब जांच उच किए, उसके बाद कहीं किसी तरह कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। कुछ कारण बताए होंगे ना किस चीज के लिए छापेमारी कर? नहीं, हम ये भी नहीं जानते किस कारण और काहे के लिए आए छापेमारी किए, लेकिन नहीं खाली बताया गया हमको कि हम लोग NIA से हैं, टीम हम लोग हैं। कितना समय हो रहा था उस समय? लगता है कि वह 5-5:30 के आसपास हो रहा होगा सुबह। हाँ, लगता है कि पूरे घर में पूरे जांच लगता है 3-4 घंटा। लोग कोई सामान भी बरामद हुआ है? ना, वो तो गार्ड साहब का हथियार। हाँ, गार्ड साहब का हथियार। गिरफ्तारी हुई है क्या? आराम से लाइसेंसी है। अब मान के चले हमेशा गोली उली चलता है, तो 2-3 बार गोली चला तो अपना प्राइवेट है सब। तो SP साहब को भी कई बार बोले हैं ना, जाइए कोई दिक्कत नहीं। SP साहब को भी हम अपना बोले कई बार, हम तो भाई एक बार बहुत उनसे भी सर हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। पत्नी के भी देख रहे हैं कि पत्नी के भी हम अपना लाइसेंस के लिए वहां दिए हुए हैं, फिर भी लेकिन लाइसेंस, जबकि कई बार हमारे ऊपर गोलियां भी कई बार चल चुका है, फिर भी नहीं लाइसेंस। अब देखिए इसमें कई मुखिया के हत्या भी है, उसके बावजूद भी इस तरह से तरीका पर्सनल अब गार्ड रखे हुए उसमें भी अब देखिए क्या कहा गया। गिरफ्तारी हुई है किसी का? गार्ड साहब, एक हमारे गार्ड साहब थे जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। R9 भारत के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट अरवल से।